Hello friends and welcome to our channel Momstar India and happy Makar Sankranti to all of you. Hope आप लोगों ने भी बहुत सारी पतंग उड़ाई होगी. हम लोगों ने बहुत enjoy किया day को. नील और नीरा मेरे दोनों बेटों ने बहुत पतंग उड़ाई. नील तो एक दिन पहले से लग गया था. अगर मेरा पहले भी मैंने इस पे ब्लॉग बनाया हुआ है संक्रांत के ऊपर आपने देखा होगा क्योंकि वो नीरव का फर्स्ट संक्रांत था तो मैंने उसके ऊपर ब्लॉग बनाया था. इस साल हम लोग थोड़ा सा मैं मेकआउट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा मैं उस दिन बिजी थी. और तिल के लड्डू मैंने लास्ट ईयर की तरह इस साल भी बनाई हूँ. और उसका अगर आपको वीडियो देखना है या रेसिपी देखना है तो आप मेरे वीडियो को तिल के लड्डू के रेसिपी को ज़रूर देख सकते हैं. सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल अबाउट स्ट्रेच मार्क या उसे हम अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में ये वीडियो है. और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और हमें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और सेम नाम से मॉमस्टार इंडिया के नाम से ही आप उस पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं. सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें ये स्ट्रेच मार्क होते क्यों है और ये स्ट्रेच मार्क है क्या. स्ट्रेच मार्क बेसिकली आपके बॉडी पे एक स्कार डेवलप हो जाता है अचानक से हुए हुए हमारे स्किन में जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से. हमारे बॉडी में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे एपिडर्मिक कहते हैं. उसकी जो ठीक नीचे वाली लेयर होती है उसमें किसी टिश्यूज के ब्रेक होने की वजह से हमें स्कार ऊपर दिखने लगते हैं. इसके एग्जैक्ट रीजंस अभी तक के भी किसी को नहीं पता है कि ये होते क्यों हैं और इनको इनका कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है. कि जो भी आप ऑइंटमेंट या ऑयल्स या जो भी मार्केट में स्ट्रेच मार्क के लिए अवेलेबल प्रोडक्ट्स है उनकी वजह से आपका ये स्ट्रेच मार्क कोई भी ये प्रूफ नहीं देता है कि स्ट्रेच मार्क आपका पूरी तरीके से चले जाएगा. दैट वॉज नॉट अभी तक के कोई भी ऐसा ऑइंटमेंट या क्रीम नहीं बनी है जिससे आप वो 100% प्रूवन है कि उसकी वजह से आपका स्ट्रेच मार्क पूरी तरह से प्रिवेंट हो जाएगा. तो पहले तो आते हैं कि स्ट्रेच मार्क क्यों होते हैं. स्ट्रेच मार्क बेसिकली प्रेग्नेंट लेडीज में होते हैं क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज का क्या होता है कि वो अचानक से 9 मंथ के अंदर उनका बॉडी बहुत बड़ा टमी डेवलप होता है जाता है बहुत बड़ा टमी हो जाता है. फिर अचानक से बेबी होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रेच मार्क डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं प्रेग्नेंट लेडीज में. कभी कभी ये हेरिडिटरी भी होता है. अगर आपकी मम्मी को है तो आपको स्ट्रेच मार्क होना बहुत हद तक के पॉसिबल है. आपकी बहन को है तो आपको हद तक के होना पॉसिबल है. सेकेंड चीज की अचानक से आपकी हाइट बढ़ती है. जब बच्चों का क्या जब टीन एज में आपकी अचानक से काफ़ी हाइट बढ़ जाती है तो आर्म्स के पास स्ट्रेच मार्क्स होना या लेग्स के थाइस में स्ट्रेच मार्क्स होना बहुत ही कॉमन होता है. उसके अलावा जिमिंग करते हैं बहुत लोग जो मसल्स डेवलप हो जाते हैं आर्म्स डेवलप हो जाते हैं एक्सेसिवली वेट गेन कर लेते हैं अचानक से या वेट लूज कर लेते हैं अचानक से तभी भी आपको स्ट्रेच मार्क डेवलप होते हैं. नेक्स्ट चीज ये है कि ये स्ट्रेच मार्क क्या हम इन्हें अवॉइड कर सकते हैं. तो हाँ, इसका आंसर ये है कि हम इसे कुछ हद तक के अवॉइड कर सकते हैं लेकिन कुछ हद तक के ये डिपेंड करता है कि ये अगर जेनेटिक तो नहीं है या इनके प्रॉपर कोई कारण नहीं है कि ये क्यों आते हैं कैसे आते हैं और इनको किसी भी तरीके से प्रिवेंट करे जा सकता है. लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे से पानी पिए अगर आप अपने बॉडी को जितना ज़्यादा मॉइस्चर आपके बॉडी में रहेगा या जितना वाटर इंटेक करेंगे तो उससे क्या होता है कि कुछ हद तक के इसे हम अवॉइड कर सकते हैं. लेकिन हम मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके बॉडी पे ये मार्क्स नहीं आएंगे लेकिन इसको अगर आप अपनी टमी एरिया को भी अच्छे से रोज मसाज करते दिन में एक बार या दो बार आप अगर नहाने जा रहे हैं नहाने के तुरंत बाद क्योंकि आपकी बॉडी पे अच्छा खासा मॉइस्चर होता है उसके ऊपर अच्छे से कोई थिक क्रीम लगा ले कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम या कोई ऑयल. जैसे कि मैं शेयर बटर यूज करती थी पहले बायो ऑयल यूज किया था मैंने इस तरह से. या फिर आप कोई भी नारियल तेल भी यूज कर सकते हैं क्योंकि जो मार्केट में जो भी क्रीम्स मिलती है वो कोई उसका उसे कोई लेना देना नहीं है कि उससे स्ट्रेच मार्क नहीं होंगे. लेकिन अगर आपका टमी एरिया अच्छे से मॉइस्चराइज हो
तो पॉसिबली है कि आपको अगर स्ट्रेच मार्क आए भी तो वो लाइट आएंगे, क्योंकि क्या होता है कि किसी को ज्यादा आते, किसी को कम आते, किसी को लाइट होते, किसी को डार्क होते, लेकिन स्ट्रेच मार्क होते जरूर हैं। तो नेक्स्ट चीज ये है कि यूट्यूब पे काफी वीडियोज आते हैं कि आप स्ट्रेच मार्क को ऐसे दूर कर सकते हैं, वैसे दूर कर सकते हैं, या इसे आप लेज़र के थ्रू दूर कर सकते हैं, या उसे प्रिवेंट कर सकते हैं पूरी तरीके से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर एक बार आपको स्ट्रेच मार्क हो गए हैं तो वो लाइट ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से जाएंगे नहीं। लाइक मेरा नील के समय का एक्सपीरियंस बताती हूँ। उस समय मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह का मुझे कुछ होने वाला है या इस तरह से कुछ होगा। मुझे उस समय कोई आइडिया नहीं था, तब मैंने कोई ध्यान नहीं दिया था इस चीज़ के ऊपर। ये है कि आप अपनी बॉडी को स्क्रैच करने के लिए, मुझे मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मना किया था कि डोंट स्क्रैच योर बॉडी, बेटर यू आप नारियल तेल लगा लीजिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि मेरे टमी एरिया में स्ट्रेच मार्क्स तो जरूर आए थे, लेकिन स्क्रैच करने की वजह से वो थोड़े से और बढ़ गए थे। लेकिन बाद में मैंने उसको नारियल तेल कंटिन्यूसली लगाते रही, तो उससे वो थोड़ा सा उसका अपीरियंस लाइट जरूर हो गया था, क्योंकि आपकी स्किन को बेसिकली मॉइस्चराइजर हो रहा है। नीरव के समय थोड़ा सा आइडिया था इस बारे में, तो आई स्टार्टेड यूजिंग बायो ऑयल फ्रॉम सेकेंड मंथ ओनली। लेकिन तब तक मुझे ये आइडिया नहीं था कि स्ट्रेच मार्क का इस तरह के फैंसी प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप उसे नारियल तेल से भी आपके पेट को प्रॉपर मसाज करते हैं, दैट इज मोर देन इम्पॉर्टेंट। अब आता है प्रिवेंशन। स्ट्रेच मार्क कभी भी प्रिवेंट नहीं होते हैं पूरी तरीके से। कभी भी आपके स्ट्रेच मार्क अगर आपको हो गए हैं तो कभी नहीं जाएंगे। ये आप उसे अपनी बॉडी का ही पार्ट समझिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इस बारे में बहुत सोचेंगे तो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि हमें सोचने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें होती है। ये नहीं कि हम स्ट्रेच मार्क को लेके बैठ जाओ, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड टू मी। बेसिकली इसका आपके बॉडी पे ऊपर में सिर्फ एक स्कार डेवलप होता है, वो आपको इंटरनली कोई नुकसान नहीं करता है। तो ये एक पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट थिंग कि बहुत सारे चीज़ें होती है, लेज़र थेरेपी होती है, और मैंने सुना है कि केमिकल पीलिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनको लाइट करने के लिए। ये पूरी तरीके से नहीं जाते हैं। सो बेटर आप अपनी बॉडी को, जब आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ इसे मॉइस्चराइज करते रहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम अपने फेस पे तो काफ़ी ध्यान देते हैं कि हमें ये इस तरह से मॉइस्चर करना है या वो करना है, एंटी रिंकल लगाना है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम हमारे हाथ पैर के अलावा बाकी पूरी बॉडी पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें अपनी पूरी बॉडी को हर रोज मॉइस्चराइज करना ही है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने टमी एरिया को एटलीस्ट 2 बार दिन में अच्छे से मॉइस्चराइज करिए, और बहुत सारा पानी पीजिए, और अपने खाने में अच्छे से फ्रूट्स जो भी जूसी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, अच्छे से इंक्लूड करिए। क्योंकि क्या होता है कि हम अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे, तो शायद हमारे साथ अच्छा ही होगा। सो लेट होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आगे भी मेरी वीडियोस को इसी तरह से देखती दीजिए और मुझे प्यार देती रहिए। बाय बाय।